नमस्कार साथियों, आज की इस सेशंस में हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो है हम लोग प्री वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन जो है कर रहे थे। तो इसमें कुछ पार्ट हमने देखा, उसमें क्वेश्चंस डिस्कस किए, उन क्वेश्चंस को आपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा। अगर आपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। कई सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर डिज़ाइन मिक्स का क्वेश्चंस आप नहीं बता रहे, तो मैं बताऊंगा डियर, बट लास्ट में बताऊंगा, जब पूरी सेशंस ख़त्म हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि डिज़ाइन मिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। और रही बात जो मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, उससे 90% कितना 90% आपका जो कंटेंट है वो ख़त्म हो गया है। बस थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो है डिज़ाइन मिक्स, जो कि आने वाले समय में मैं उसे भी आपका ख़त्म कर दूंगा। आपका जो एग्ज़ाम है मार्च में है, तो मार्च में एग्ज़ाम है, उससे पहले हम आपका जो क्लासेस है वो ख़त्म करवा देंगे। डिज़ाइन मिक्स का क्लासेस जो है आपका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप YouTube पे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो डैट्स वेरी फाइन, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे क्लासेस में को पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चंस है उसमें शॉर्ट आंसर नोट्स आपको जो है बनाना है। पहला क्वेश्चंस है शॉर्टक्रीट क्या होता है, दूसरा है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, तीसरा गुनिटिंग, चौथा रेडीमिक्स कंक्रीट। शॉर्टक्रीट, शॉर्टक्रीट क्या होता है, तो एक कंस्ट्रक्शन का टेक्निक है। क्या है? कंस्ट्रक्शन का एक टेक्निक है जहाँ पे सीमेंट का, एग्रीगेट का और वाटर का जो मिक्स होता है वो हम लोग न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड होता है और एट हाई वेलोसिटी के साथ सरफेस पे, तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक कहलाता है वो शॉर्टक्रीट कहलाता है। ये जो मेथड है कॉमनली यूज्ड किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर लाइक स्विमिंग पूल, टनल और रिटेनिंग वाल में, जनरली या कॉमनली यूज किया जाने वाला मेथड है। इट ऑफर्स इफिशियंट एंड रैपिड प्लेसमेंट, मेकिंग इट सुटेबल फॉर बोथ वर्टिकल एंड ओवरहेड सरफेसेस, है ना। वर्टिकल के साथ साथ ओवरहेड सरफेसेस को ये क्या के लिए ये सुटेबल होता है हमारा, कौन सा? तो शॉर्टक्रीट। नेक्स्ट टर्म है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें जो कंक्रीट होता है उसमें मॉइस्चर, जो एडिक्वेट मॉइस्चर्स होनी चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए या जो टाइम है जो एलाउ करता है डिज़ायर स्ट्रेंथ को अचीव करने में और ड्यूरेबिलिटी को, तो वो जो मॉइस्चर मेंटेनिंग प्रोसेस होता है उसी को क्यूरिंग कहते हैं। जनरली हम लोग पानी डालकर पटाते हैं, है ना, पानी जैसे प्लस्तरा होता है ना, या स्लैब होता है या कॉलम बनता है, तो उस पर पानी का छिड़काव करते हैं या पानी में रखे रहते हैं। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट मिक्स, जो कंक्रीट मिक्स होता है उसमें से पानी का जो लॉसेस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्यूरिंग किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट प्रॉपर तरीके से हमारा हो सके। जो क्यूरिंग होता है वो किया जाता है, कई सारे मेथड्स होते हैं जिसमें कुछ मेथड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला है वेट मेथड। तो ये जो वेट क्यूरिंग मेथड होता है
इसको हम लोग स्कीपिंग द सरफेस कंटिन्यूस वेट होता है। दूसरा मेम्ब्रेन क्यूरिंग, मेम्ब्रेन क्यूरिंग में क्या होता है कि यूजिंग क्यूरिंग कंपाउंड्स एंड स्टीम क्यूरिंग, है ना। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं क्यूरिंग के, तो इन तमाम जो मेथड्स हैं वो उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से क्यूरिंग करते हैं। अगला जो टर्म है वो है गुनिट या गुनिटिंग। गुनिटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सिमिलर होता है हमारा शॉर्टक्रीट का, बट इसमें जो है ड्राई मिक्स कंक्रीट या मोटार आपका मिला होता है। जो ड्राई मिक्स होता है वो एक नोजल या होज से के थ्रू कन्वे किया जाता है, मतलब ले जाया जाता है, और जहाँ पे वाटर को ऐड किया जाता है। कब वाटर को ऐड किया जाता है? जब हम लोग जो है ड्राई मिक्स को स्प्रे करने वाले होते हैं सरफेस पे, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ले जाकर फिर पानी को मिक्स करते हैं। ये जो मेथड है ये जनरली यूज जो है किया जाता है हमारा रिपेयर वर्क या स्लोप या स्टेबिलिटी या फिर क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक स्विमिंग पूल्स, टनल्स, इन सभी में किया जाता है। जो गुनिटिंग होता है ये प्रोवाइड करता है हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को। गुनिटिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो कंक्रीट होता है उसका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो सके और जो ड्यूरेबिलिटी है ये भी हमारा बढ़ सके या बढ़ाया जा सके, इसलिए जो है गुनिटिंग या गुनिट किया जाता है। अगला जो टर्म है वो है आपके यहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट। जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है ये प्री मिक्स्ड होता है या बैज्ड कंक्रीट होता है डैट इज़ डिलीवर्ड टू कंस्ट्रक्शन, है ना, डिलीवर किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे इन रेडी टू यूज फॉर्म। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन बैचिंग, इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है बैचिंग प्लांट में, वेयर प्रोपोर्शन जो होता है सीमेंट का, एग्रीगेट्स का, वाटर का और एडमिक्सचर्स का प्रिसाइजली कंट्रोल्ड होता है। जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, रिड्यूसेस ऑन साइट कंस्ट्रक्शन टाइम एंड इज़ कन्वीनियंट फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। लेकिन ये जो मेथड्स होता है ये हमारा एक कन्वीनियंट मेथड्स होता है वेरियस कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स। फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स से आप क्या समझते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो फ्लैकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स है ये एक मैट्रिक्स है जिसका यूज किया जाता है टू इवेल्युएट शेप ऑफ एग्रीगेट इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। जो फ्लैकीनेस होता है ये मेजर करता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स इंडिकेटिंग इट्स फ्लैटनेस। इलोंगेशन इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है मैक्सिमम लेंथ टू इंटरमीडिएट, है ना, मैक्सिमम लेंथ टू इंटरमीडिएट डायमेंशंस जो कि प्रोवाइड किया जाता है इन साइट्स इन टू पार्टिकल्स जो कि इलोंगेटेड नेचर्स में होता है। बोथ जो मैट्रिक्स होते हैं ये हेल्प करता है इंश्योर डैट एग्रीगेट्स मीट स्पेसिफिकेशंस फॉर क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी इन कंक्रीट एंड असफल्ट मिक्सचर्स। तो ये आपका इलोंगेशन और फ्लैकीनेस इंडेक्स मेजर किया जाता है। तो जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, देखो जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना उतना ही सवाल का जवाब दो, ज़्यादा सवाल का जवाब देने के चक्कर में ना आपका गलत हो सकता है। इसलिए क्वेश्चंस को सटीक और सही इन्फॉर्मेशन के साथ एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपका जो सेमेस्टर है उसमें आपका सही नंबर आएगा। अगर आप
सही तरीके से प्रॉपर वे में नहीं लिखोगे तो आपका प्रॉपर नंबर नहीं आएगा। आप जानते भले ही कितना हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप एग्ज़ाम में जो आप जानते हो उसको किस तरीका से लिखते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिफ़ाइन करना है वेरियस डिफेक्ट्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं उसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। पहला होता है क्रैक। क्रैक जो है ये होता है ड्यू टू रीजंस श्रिंकेज, थर्मल चेंजेस और स्ट्रक्चरल ओवरलोड के कारण। हनी कॉम्बिंग जो है इनकम्प्लीट फिलिंग और कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कंक्रीट प्लेसमेंट, तो उसके कारण से वॉइड्स होते हैं और जिसके कारण से स्ट्रेंथ जो है रिड्यूज हो जाता है। सेग्रीगेशन अगर इनग्रेडियंट्स जो है कंक्रीट का प्लेसमेंट के दौरान नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस है तो उसमें सेपरेशंस देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग, जब एक्सेस वाटर राइज हो जाता है सरफेस के ऊपर ड्यूरिंग सेटलिंग प्रोसेस कैन वीकेन द कंक्रीट। स्केलिंग जो है एक तरीके का फ्लैकिंग या पीलिंग है जो कि कॉज्ड किया जाता है बाय फ्रीज थ्रू साइकल्स, केमिकल एक्सपोजर एंड इनएडिक्वेट क्यूरिंग। इफ्लोरोसेंस, ये डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स ऑन द कंक्रीट सरफेस ड्यू टू वाटर मूवमेंट ऑफ अफेक्टिंग एस्थेटिक। अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस AAR, ये केमिकल रिएक्शंस होता है बिटवीन अल्कलीज इन सीमेंट एंड सर्टेन एग्रीगेट्स काउजिंग एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग। कोरोजन रेनफोर्समेंट एक्सपोजर टू हार्श इन्वायरमेंट कैन लीड रस्टिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कंप्रोमाइजिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। एब्रेशंस, बियर एंड टीयर ड्यू टू ट्रैफिक एंड एब्रेसिव मटेरियल रिड्यूस करता है कंक्रीट सरफेस ड्यूरेबिलिटी को। क्रेजी जो है ये एक फाइन क्रैक्स होते हैं सरफेस पे जो कि कॉस्मेटिक या कॉज्ड होता है बाय रैपिड ड्राइंग या अर्ली फिनिशिंग द कंक्रीट के कारण से। तो इन तमाम क्वेश्चंस का सवाल का जवाब जो है मैंने आपको दिया। बाकी और भी सेशंस आपका आता रहेगा इसी तरीके का ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके और आप अपने सेमेस्टर्स में बेहतर कर सके। जब आप अपने सेमेस्टर में बेहतर करते हैं तो हमें भी खुशी होती है आप लोगों की बातें सुनकर कि नहीं मैं सेमेस्टर में अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आप हों। ओके,